हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू यूज़ वर्चुअल कैलकुलेटर। जैसा कि आपको पता है, गेट के एग्ज़ाम में वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ होता है और आजकल बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स और भी हैं जिसमें वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ होता है। जैसे कि अभी रिसेंटली आरआरबी JEE CVT 2 का एग्ज़ाम होगा, तो इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं कि वर्चुअल कैलकुलेटर की हेल्प से हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ओके, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। यह है वर्चुअल कैलकुलेटर, यह है फर्स्ट डिस्प्ले। ओके, ये है फर्स्ट डिस्प्ले एंड दिस वन इज सेकंड डिस्प्ले। ओके, फर्स्ट डिस्प्ले में क्या होता है कि आप जो भी एक्सप्रेशन लिखोगे वो कंप्लीट एक्सप्रेशन फर्स्ट डिस्प्ले में शो होगा। और सेकंड डिस्प्ले क्या है कि जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे वो सेकंड डिस्प्ले में शो होगा। और आफ्टर कैलकुलेशन जब आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए और आप इक्वल टू साइन को प्रेस करोगे तो सेकेंड डिस्प्ले में ही रिजल्ट शो होगा। ओके, तो हम देख लिए फर्स्ट डिस्प्ले और सेकेंड डिस्प्ले का क्या यूज है। फिर हम देखते हैं ये मोड, दिस वन इज मोड। ये यूज किया जाता है टू फाइंड रिमाइंडर वैल्यू। सपोज आपको 50 को 6 से डिवाइड करना है और आपको जानना है कि कितना होगा इसका रिमाइंडर वैल्यू, यहाँ पे जो रिमाइंडर वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो ऐसे कैलकुलेशन के लिए आप इस मोड की का यूज़ करोगे क्योंकि ये देता है हमें रिमाइंडर वैल्यू। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम 6 मल्टीप्लिकेशन विथ 8, हेयर 48, रिमाइंडर वैल्यू होगा 2। अब देखते हैं कि मॉड वैल्यू निकालने के लिए यानी कि रिमाइंडर वैल्यू निकालने के लिए वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट प्रेस 50 एंड देन मॉड एंड देन व्हाट 6। आप इक्वल टू साइन प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे आया 2। यही 2 है जो कि हमने रिमाइंडर वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था, 2 रिमाइंडर वैल्यू 2। नेक्स्ट, यहाँ पे 2 हैं, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। ये दोनों हम तब यूज़ करेंगे जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करना हो, जैसे साइन, कॉस, टैन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, टैन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स या टैन हाइपरबोलिक इनवर्स। जब हमें ये सारे फंक्शंस यूज़ करने हों तब हम इन दोनों की को ऑपरेट करेंगे, चाहे डिग्री में हो या फिर रेडियन में हो, जैसी हमारी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल डिग्री में है, हम इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, डिग्री और रेडियन का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है जब आप करते हो एरिथमेटिक कैलकुलेशन। ओके, सपोज आप करोगे 5 + 6, आपको चाहिए क्या 5 + 6 चाहिए, तो इसमें आप इसको डिग्री मोड में रखो या फिर रेडियन मोड में रखो, इस कैलकुलेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बार आपको 11 ही आंसर आएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज मेमोरी क्लियर। द वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन मेमोरी विल बी क्लियर्ड आफ्टर प्रेसिंग दिस की, मेमोरी क्लियर की। नेक्स्ट, दिस इज MR, मेमोरी रिकॉल। मेमोरी में कोई भी वैल्यू अगर स्टोर्ड है उसे हम सेकेंड डिस्प्ले पे यहाँ देखना चाहते हैं या फिर उसका कुछ और ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेमोरी रिकॉल पे प्रेस करोगे, तो फिर क्या होगा, जो वैल्यू मेमोरी में स्टोर्ड है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। नाउ दिस वन इज मेमोरी स्टोर्ड। जो वैल्यू इस डिस्प्ले पे शो हो रहा है इस की को प्रेस करने पे वो वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ओके, दिस वन इज M+ एंड दिस वन इज M-।
सपोज मेमोरी में कुछ भी वैल्यू स्टोर्ड है, सपोज 95 इज स्टोर्ड इन आवर मेमोरी। अब हमें इस स्टोर्ड वैल्यू 95 में कुछ ऐड करना है, सपोज 5 ऐड करना है। 5 को प्रेस करेंगे और फिर M प्लस को प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, ये 5 इस स्क्रीन पे यहाँ पे शो होगा। उसके बाद M प्लस प्रेस करने के बाद ये 5 मेमोरी में स्टोर्ड वैल्यू 95 में ऐड हो जाएगा और अब मेमोरी में स्टोर होगा 100। अगर आप उसको देखना चाहोगे तो एम आर की को प्रेस करोगे, फिर क्या होगा कि मेमोरी रिकॉल, यानी कि मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो क्या है, अभी 100 है, तो 100 इस स्क्रीन पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज एम माइनस। इसमें क्या है कि जो भी वैल्यू हमारी मेमोरी में स्टोर होगी, सपोज हमारी मेमोरी में स्टोर है 100 और हम इसमें से कुछ माइनस करना चाहते हैं, सपोज 20 को माइनस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली प्रेस 20 यानी कि 2 एंड दिस वन इज 0, 20 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस स्क्रीन पे, सेकंड स्क्रीन पे हमें शो होगा 20। उसके बाद जब हम एम माइनस की को प्रेस करेंगे और ये 20 उसमें से सब्ट्रैक्ट होके मेमोरी में अब स्टोर होगा 80। देख लेते हैं इन सारे फंक्शंस को यूज करके, यहाँ पे देखते हैं। सपोज हमने किया 58 प्लस 9 इक्वल टू 67, 67 को मेमोरी में स्टोर कर लिया बाय प्रेसिंग एम एस। नाउ 8 ऐड करना है, 8 को प्रेस कर लिया, उसके बाद एम प्लस को प्रेस किया, यानी कि अब ये 8 मेमोरी में स्टोर्ड वैल्यू में ऐड हो चुका होगा। उसके बाद एम आर पे क्लिक करोगे तो आपको मिल गया रिजल्ट 75, यानी कि जो वैल्यू पहले था 67 अब ऐड हुआ है उसमें 8 और अब रिजल्ट मिलेगा 75। ठीक है, अब ये जो 75 है ये मेमोरी में स्टोर्ड है, इसमें से हम चाहते हैं कि 20 को माइनस कर दें। ठीक है, फिर करते हैं क्लियर। अगर आप यहाँ पे क्लियर करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो जस्ट प्रेस करो 20, फिर प्रेस करो एम माइनस, तो क्या हुआ, अब ये 75 में से 20 माइनस होके यानी कि 55 मेमोरी में स्टोर हो चुका होगा। अगर हम मेमोरी को रिकॉल करते हैं तो हमें मिलेगा 55। मेमोरी रिकॉल करने पे क्या मिला, 55 हो गया। मेमोरी रिकॉल, मेमोरी स्टोर, एम प्लस, एम माइनस, ये चार का हो गया। अब हम मेमोरी को क्लियर करना चाहते हैं तो एम सी, इस पे हम क्लियर करेंगे तो मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर था वो क्लियर हो चुका है। अब इस वैल्यू को क्लियर करना है तो जस्ट प्रेस सी, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड। नाउ दिस वन इज बैक स्पेस। इसके यूज से क्या होता है कि आप वन बाय वन डिजिट को इरेज करोगे जो कि आपको सेकेंड स्क्रीन पे दिख रहा हो। ये है क्लियर, इससे सारी वैल्यू क्लियर हो जाएंगी एक्सेप्ट मेमोरी स्टोर्ड वैल्यू। ओके, दिस वन इज प्लस माइनस। ये साइन को चेंज करता है, अगर आपने यहाँ पे प्रेस किया है 10, ओके, लेकिन आपको चाहिए माइनस 10, तो उसके लिए क्या करोगे, जस्ट सिंपली आप इस पे प्रेस करोगे तो जो प्लस 10 है वो हो जाएगा माइनस 10। लेकिन आपने अगर जो माइनस 10 इस पे शो करके रखा है और आपको चाहिए प्लस 10, फिर से आप इसको प्रेस करो, आपको मिल जाएगा प्लस 10। दिस वन इज स्क्वायर रूट। किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले उस वैल्यू को आप एंटर करो। सपोज हमें चाहिए रूट ओवर 36, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि हमें प्रेस करना है 36, उसके बाद हमें प्रेस करना है स्क्वायर रूट वाला एंड देन प्रेस इक्वल टू साइन और हमें मिलेगा इसका स्क्वायर रूट यानी कि 6। प्रेस 36 एंड देन स्क्वायर रूट, हमें मिला 6 इक्वल टू साइन 6। सपोज रूट ओवर माइनस 4, तो इसका कैलकुलेशन आप वर्चुअल कैलकुलेटर की हेल्प से नहीं कर सकते क्योंकि ये अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट आ जाता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2 iota, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं J2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 at an angle of 90 degree। ओके, तो
ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, ये सारे जो रिजल्ट हैं, ये बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, और ये वर्चुअल कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स नंबर डील नहीं करता है। नेक्स्ट, दिस वन इज परसेंटेज। सपोज आपको फाइंड आउट करना है कि 50% ऑफ 80 ये क्या होगा, इक्वल टू व्हाट। कैलकुलेट करके देखते हैं, 80 का 50% है ना, आपको मिलेगा क्या, 40। इसके लिए आपको क्या करना है, 50 एंड देन परसेंटेज की एंड देन 80 एंड देन इक्वल टू साइन। ओके, देखते हैं, 50 परसेंटेज साइन, 80 इक्वल टू 40। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज 1/x। ये क्या है, ये है इनवर्स ऑफ ए नंबर। सपोज आपको फाइंड आउट करना है 5 का इनवर्स, तो 5 का इनवर्स हम कैसे लिखते हैं, इक्वल टू 1/5, यानी कि इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.2। जस्ट प्रेस 5 एंड देन 1/x की इक्वल टू 0.2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, और ये हैं आपके नंबर्स 0 to 9 एंड दिस वन इज डेसिमल। एरिथमेटिक कैलकुलेशन कुछ करते हैं, 5 + 3 × 2 इज इक्वल टू वॉट। एक फॉर्मूला आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा, BODMAS, मीन्स सबसे पहले ब्रैकेट एंड देन ऑफ एंड देन डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, 5 + 3 × 2 पहले होगा मल्टीप्लीकेशन और फिर होगा एडिशन, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको कैसे मिलेगा, 5 + पहले होगा 3 × 2 यानी कि 6। रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, 11। वी हैव टू फाइंड 9 - 3 / 3, ओके, इक्वल टू वॉट, 8 होगा करेक्ट आंसर। देख लेते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल को हम लाइव करके देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज 5 + 3 × 2, 5 + 3 × 2 इक्वल टू 11, 11 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 16 इज रॉन्ग आंसर, क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, 9 - 3 / 3 इक्वल टू 8, 8 इज करेक्ट आंसर हियर, 8 इज करेक्ट आंसर एंड 2 इज रॉन्ग आंसर। ओके, 1/2 - 1/4 इसको कैलकुलेट करना है। बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, बाय यूजिंग वर्चुअल कैलकुलेटर क्या करते हैं, ब्रैकेट डालेंगे, फिर करेंगे 1/2, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड देन माइनस, फिर स्टार्ट ब्रैकेट 1/4 एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस इक्वल टू। इतना करने के बाद फिर उन्हें रिजल्ट मिलता है, लेकिन वर्चुअल कैलकुलेटर में यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिंपल एक्सप्रेशन जो भी लिखोगे वो करेक्ट आंसर देगा। यानी कि इसके लिए सिंपली हमें क्या करना, 1/2 - 1/4 इक्वल टू, बस इतना हमें प्रेस करना है, हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा 1/4, यानी कि आपको रिजल्ट में मिलने वाला है 0.25। ओके, देखते हैं, 1/2 - 1/4 इक्वल टू 0.25। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2/4 - 3 × 2, ये होगा 0.5 - ये होगा 6 यान इक्वल टू -5.5। देखते हैं,
टू बाय फोर माइनस थ्री मल्टीप्लिकेशन विथ टू इक्वल टू माइनस 5.5। इन सारे एरिथमेटिक कैलकुलेशन में हमने कहीं भी ये दोनों ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया है ना। ब्रैकेट का यूज़ करना यहाँ पे है वेस्टेज ऑफ टाइम, सो अवॉइड इट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल इज टू माइनस साइन 30 डिग्री। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, 2 माइनस साइन 30 इज 0.5, यानी कि आंसर होगा 1.5। ओके, प्रेस करेंगे 2 एंड देन नेगेटिव साइन एंड देन 30 एंड देन साइन देन इक्वल टू। वर्चुअल कैलकुलेटर में किसी भी फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले हम प्रेस करते हैं वैल्यू, एंड देन वैल्यू प्रेस करने के बाद हम उस फंक्शन को प्रेस करते हैं। सपोज अगर हमें चाहिए साइन 30 डिग्री, तो सबसे पहले प्रेस करना होगा 30 डिग्री एंड देन साइन, ओके, एंड देन इक्वल टू, फिर हमें मिलेगा आंसर। ओके, 2 माइनस साइन 30, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 माइनस, चूंकि कैलकुलेटर हमारा डिग्री मोड में है तो साइन 30 यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, इसी मोड में कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं 30 एंड देन साइन देन इक्वल टू, आंसर मिल गया 1.5। यहाँ पे हमें किसी भी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें ऐसा नहीं करना है, जैसे कि 2 माइनस एंड देन साइन 30 के लिए अब हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट एंड देन 30 एंड देन साइन ब्रैकेट क्लोज एंड देन इक्वल टू 1.5। दिस इज टाइम टेकिंग। ओके, सिक्स्थ वन, 0.5 माइनस साइन इनवर्स 0.5, देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आएगी। ओके, सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं, 0.5 माइनस साइन इनवर्स 0.5, यानी कि अगर इसको हम डिग्री में देखें तो ये होगा 30 डिग्री, और अगर रेडियन में देखें तो ये होगा क्या, पाई बाय 6। ओके, तो अगर कैलकुलेटर हमारा डिग्री मोड में होगा तो ये आंसर देगा 0.5 माइनस 30, यानी कि माइनस 29.5, ये आंसर देगा। जब हमारा वर्चुअल कैलकुलेटर रेडियन में मोड में होगा फिर ये क्या आंसर देगा, ये आंसर देगा 0.5 माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू। कैलकुलेटर हमारा डिग्री मोड में है, हमें प्रेस करना है 0.5 माइनस एंड देन साइन इनवर्स 0.5। साइन इनवर्स 0.5 के लिए सबसे पहले वैल्यू प्रेस करेंगे 0.5 एंड देन साइन इनवर्स, हेयर साइन इनवर्स, तो इक्वल टू, तो क्या आया, माइनस 29.5, जो कि हमने यहाँ पे बताया क्या आएगा आंसर, माइनस 29.5। ओके, लेकिन यही कैलकुलेटर अगर हमारा रेडियन मोड में होता, रेडियन में हमने कर दिया क्लियर, फिर क्या होगा आंसर, 0.5 माइनस साइन इनवर्स 0.5, यानी कि 0.5 साइन इनवर्स इक्वल टू, हमें आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है, माइनस 0.02359। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, बाय यूजिंग एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स 0.5, इसकी क्या वैल्यू होगी। अगर हम कैलकुलेटर को डिग्री मोड में रखेंगे तो क्या आंसर देगा, अगर हम कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखेंगे फिर क्या आंसर देगा, ठीक है, दोनों केस में देखते हैं, साइन इनवर्स 0.5, ओके, कैलकुलेटर इन डिग्री मोड,
प्रेस 0.5 एंड देन साइन इनवर्स वी गॉट 30, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 30, क्योंकि कैलकुलेटर हमारा डिग्री मोड में है इसलिए 30 डिग्री। ओके, अब कैलकुलेटर को रेडियन मोड में करके देखते हैं, ठीक है। ओके, कैलकुलेटर इन रेडियन मोड, साइन इनवर्स 0.5, 0.5 साइन इनवर्स इक्वल टू 0.523, रेडियन मोड में 0.523 59। ओके, ये आंसर है। यानी कि ये क्या होगा, ये 30 डिग्री का ही इक्विवेलेंट है, यानी कि पाई बाय 6। आप अगर जो पाई बाय 6 को कैलकुलेट करो तो यही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट, सेकंड एग्जांपल इज साइन इनवर्स 1। इसको अगर कैलकुलेटर को डिग्री मोड में रखेंगे फिर क्या आंसर होगा, रेडियन मोड में रखेंगे फिर क्या आंसर होगा, देखते हैं। प्रेस 1 एंड देन साइन इनवर्स, ये रेडियन मोड में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर इन रेडियन मोड में, इसलिए कितना वैल्यू आया 1.5707। यानी यहां पर लिखेंगे 1.5707। कैलकुलेटर को अब करके देखते हैं डिग्री मोड में और फिर लिखते हैं साइन इनवर्स 1, यानी कि सबसे पहले प्रेस करेंगे 1 एंड देन साइन इनवर्स। ओके, क्या वैल्यू आया 90, यहाँ पे लिखोगे 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री और 1.5707 बोथ आर इक्विवेलेंट। 90 डिग्री मीन्स पाई बाय 2, पाई बाय 2 को आप सॉल्व करोगे तो ये इतनी वैल्यू आएगी। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, तीसरा एग्जांपल कॉस इनवर्स 0.5। कॉस इनवर्स 0.5, ये अगर आप डिग्री मोड में रखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 60 डिग्री, और आप अगर जो रेडियन मोड में कैलकुलेटर को रखोगे तो कितना वैल्यू आएगा 60 डिग्री, यानी कि पाई बाय 3। पाई बाय 3 का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज टैन इनवर्स 1। ओके, टैन इनवर्स 1 ये कितना होगा, टैन इनवर्स 1 ये होगा 45 डिग्री। कैलकुलेटर को अगर आप रेडियन मोड में रखोगे तो क्या आंसर आएगा 5/4, यानी कि 5/4 की जो वैल्यू होगी वो आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज साइन 45 डिग्री इक्वल टू, डिग्री मोड में हमने रखा है तो साइन 45, या फिर अगर आप रेडियन मोड में रखोगे तो क्या लिखोगे साइन पाई बाय 4, दोनों का आंसर आएगा सेम, और वो क्या आंसर होगा 0.707, यानी कि 1/√2। देख लेते हैं, कैलकुलेटर डिग्री मोड में है इसलिए 45 एंड देन साइन क्या आया 0.707। ओके, कैलकुलेटर को रेडियन मोड में करते हैं फिर हमें क्या लिखना है, रेडियन मोड में क्या लिखना है साइन पाई बाय 4, तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे पाई बाय 4 इक्वल टू एंड देन साइन क्या आया 0.707। इसी तरीके से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, टैन हाइपरबोलिक इनवर्स, या फिर साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, टैन हाइपरबोलिक, ये बहुत ही कम यूज होते हैं, बट इसको भी इसी तरीके से हम ऑपरेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट देखा था, अब हम देखेंगे क्यूबिक रूट। ये है क्यूबिक रूट, इसको देखते हैं। क्यूबिक रूट ऑफ 27 इक्वल टू व्हाट, 27 का क्यूबिक रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट प्रेस 27 एंड देन क्यूबिक रूट, आंसर आया 3, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3। क्यूबिक रूट ऑफ 125 इक्वल टू व्हाट, पहले प्रेस करेंगे 125 एंड देन क्यूबिक रूट, आंसर विल बी 5। हमने देखा स्क्वायर रूट, हमने देखा क्यूबिक रूट। यदि हमें फोर्थ रूट फाइंड आउट करना है, हमें फिफ्थ रूट फाइंड आउट करना है, हमें
सिक्स्थ रूट फाइंड आउट करना, फिर हम क्या करेंगे इसके लिए, वाईथ रूट ऑफ एक्स ये की यूज़ करेंगे, देखते हैं कैसे। फोर्थ रूट ऑफ 16 इक्वल टू व्हाट, सेकेंड एग्जाम्पल, फोर्थ रूट ऑफ 625 इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट प्रेस 16 एंड देन दिस की एंड देन 4, यानी कि फोर्थ रूट चाहिए, इक्वल टू आंसर इज 2, यहाँ पर आंसर होगा 2। ओके नेक्स्ट वन, फोर्थ रूट ऑफ 625, सबसे पहले प्रेस करना है 625 एंड देन दिस वन की एंड देन फोर्थ, फोर्थ रूट चाहिए, आंसर इज 5, यहाँ पर आंसर होगा व्हाट 5। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स क्यू, दिस इज एक्स टू द पावर वाई, इन तीनों की को अब देखते हैं, फाइंड आउट करना है, जैसे कि 5 स्क्वायर या फिर 20 स्क्वायर, तो इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले प्रेस करेंगे 5 एंड देन एक्स स्क्वायर की, हमें मिल जाएगा इसका स्क्वायर 25। नेक्स्ट सबसे पहले प्रेस करेंगे 20 एंड देन एक्स स्क्वायर की, हमें मिलेगा इसका स्क्वायर 400। ओके फाइंड आउट करते हैं एक्स टू दी पावर 3, यानी कि किसी भी नंबर का क्यूब, यदि हमें चाहिए 8 क्यूब इक्वल टू व्हाट, 25 क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, तो फाइंड आउट करते हैं। सपोज 8 एक्स क्यूब, आंसर इज 512, यहाँ पे आंसर होगा 512। नेक्स्ट 25 का क्यूब, 25 का क्यूब 15625, तो इसका क्या आंसर आया 15625, इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल तीसरा, यदि हमें फाइंड आउट करना है एक्स टू दी पावर वाई, यानी कि हमें अगर 7 to the power 8 फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, 6 to the power 5 फाइंड आउट करना है, फिर कैसे करेंगे ये देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज 7 to the power 8, सबसे पहले 7 एंड देन x टू द पावर y एंड देन 8, 7 to the power 8 इक्वल टू दिस वन, ये होगा इसका आंसर, आंसर इज क्या है 5764801। नेक्स्ट वन इज 6 to the power 5, 6 एक्स टू द पावर वाई एंड देन प्रेस 5 इक्वल टू दिस वन 7776। अब देखते हैं नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10, दिस इज लॉग यानी कि बेस 10, ये क्या है इसका बेस है 10 एंड अनदर इज ln, दिस इज नेचुरल लॉग एंड बेस इज e, बेस इसका क्या है e, e की वैल्यू क्या होती है 2.718 log 100, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, और हमें अगर करना है ln 100 तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ देखते हैं। फर्स्ट प्रेस 100 देन log की, आंसर मिला 2, इसका आंसर होगा 2। दूसरा फर्स्ट प्रेस 100 एंड देन ln, इसका आंसर होगा 4.605। नेक्स्ट अगर जो हमें फाइंड आउट करना है log x टू द बेस 2, नेक्स्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है log x टू द बेस y, देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज वी हैव टू फाइंड log 100 टू द बेस 2, log 100 टू द बेस 5, तो इसकी क्या वैल्यू होगी देखते हैं। फर्स्ट प्रेस 100 एंड देन log x टू द बेस 2,
तो ये हमें मिल जाएगा 6.643। नेक्स्ट वन इज़ लॉग 100 टू द बेस 5। फर्स्ट प्रेस 100 एंड देन लॉग एक्स टू द बेस वाई एंड देन 5 जो कि बेस है, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा 2.861। आंसर इज 2.861। नाउ अब हम देखते हैं एंटी लॉग एंटी एलन देखते हैं, ठीक है। एंटी एलन एक्स का मतलब होता है ई टू द पावर एक्स, एंटी लॉग एक्स का मतलब होता है 10 to the power x। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं एग्जांपल। एंटी लॉग 5 अगर फाइंड आउट करना है तो इसको कैसे करेंगे, 10 to the power 5, ये होगा एंटी लॉग 5। सेकेंड, यदि हमें फाइंड आउट करना है एंटी एल एन 5 तो इसको हम कैसे करेंगे, दिस वन इज ई टू द पावर 5, दिस वन इज ई टू द पावर x, यानी कि एंटी एल एन एक्स, दिस वन इज 10 to the power x, यानी कि एंटी लॉग x। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल एंटी लॉग 5, तो सबसे पहले हम प्रेस करेंगे 5, और चूंकि ये एंटी लॉग 5 है तो उसके बाद हम प्रेस करेंगे 10 to the power x वाला, यही हो जाएगा एंटी लॉग 5, यानी कि इसकी वैल्यू होगा 10 to the power 5, यानी कि दिस वन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल इज एंटी एल एन 5। एंटी एल एन 5 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले प्रेस करेंगे 5 एंड देन ई टू द पावर x, ये ई टू द पावर x, ये फाइंड आउट करने से हमें मिल जाएगा दिस वन 148.4। नेक्स्ट वन इज मॉडुलस ऑफ x। सपोज अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं -2.5, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 2.5। अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं मॉडुलस ऑफ 7, यानी कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 7, तो हमें मिलेगा 7। -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल exp। यदि हमें फाइंड आउट करना है 5 इंटू 10 to the power 4, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 एंड देन एक्सपोनेंशियल की exp एंड देन 4। ओके, तो यहाँ पे 5 इंटू 10 to the power 4 हो जाएगा दिस वन। ओके, नेक्स्ट, यदि हमें चाहिए 5 इंटू 10 to the power -3, ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे 5 एंड देन एक्सपोनेंशियल की आफ्टर दैट -3। -3 के लिए हम डायरेक्ट -3 नहीं लिखेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट -3 एंड देन हमें मिलेगा इसका आंसर। ओके, देखते हैं 5 exponential 4 इक्वल टू दिस वन, दिस आंसर। नेक्स्ट 5 exponential -3 चाहिए, तो हम यूज करेंगे यहां पर ब्रैकेट एंड देन -3 ब्रैकेट क्लोज एंड देन इक्वल टू साइन, फिर हमें मिला 0.005 इसकी वैल्यू। ओके, यदि हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे फिर ये रॉन्ग आंसर देगा, वो कैसे, वो कितना आंसर होगा वो हम देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करता है जब हम ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो। ओके, यदि हम ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं इस नेगेटिव वाले में तो ये क्या वैल्यू देता है, 5 उसके बाद आप करोगे एक्सपोनेंशियल फिर करोगे -3, तो इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर क्या करता है, 5 एंड ई टू द पावर 0 एंड देन -3, यानी कि वो करेगा 5 इंटू ई टू द पावर 0 यानी कि 1 एंड देन -3, यानी कि कैलकुलेटर आंसर करेगा 5 -3 = 2, जो कि गलत है ना। तो इसलिए आपको -3 के पहले ब्रैकेट लगाना जरूरी है।
लास्ट पॉइंट, यदि आप कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो और कैलकुलेटर के इस स्क्रीन पे यानी कि आंसर वाली स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरह का आंसर आ रहा है 2.350961E7, इसका मतलब है कि दिस वैल्यू यानी कि 2.350961 × 10⁻¹, इसकी ये वैल्यू होगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट, ओके, टेक्निकल सब्जेक्ट 4 RRB, RRB JEE, CBT 2 और SSE JEE के लिए, ओके, SSE JEE के लिए टेक्निकल सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ। और फर्स्ट टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन से, इलेक्ट्रिकल मशीन का फर्स्ट टॉपिक हम ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि इसमें किस तरह की कमी रह गई और फिर हम उस कमी पे ध्यान देंगे। ओके, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।